पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी है जितना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में। पैन कार्ड पर क्योंकि एड्रेस प्रिंट होकर नहीं आता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं और उनके पैन कार्ड में पुराना एड्रेस ही चलता रहता है। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका वही एड्रेस होता है जो आपने पैन कार्ड में अपडेट कराया हुआ है, और उसी एड्रेस पर बाई पोस्ट आपका पैन कार्ड सेंड किया जाता है, और आपके TDS सर्टिफिकेट में भी पैन कार्ड वाला एड्रेस ही होता है। इसलिए आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको पैन कार्ड में भी रखना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट सेंड किए पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने के लिए या कोई भी डिटेल्स अपडेट कराने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आप चूज करेंगे चेंजेस और करेक्शन, कैटेगरी में आप चूज करेंगे इंडिविजुअल, अपना टाइटल चूज करेंगे, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे और अगर कोई मिडल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, आप इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डालेंगे। आप इंडियन सिटीजन हैं, इसको आप यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सबमिट, एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए न तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और ना ही कहीं पर बाय पोस्ट सेंड करना होगा। अगर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको अपना फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको प्रिंट करना होगा और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाकर बाय पोस्ट उसको पैन ऑफिस सेंड करना होगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको पहला या दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट रखता हूँ। अगर आपको सिर्फ डिजिटल पैन कार्ड चाहिए तो इसको आप नो कर देंगे, और अगर आपको बाय पोस्ट फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए तो इसको आप यस रखेंगे। फीस आप यहां पर देख सकते हैं आपको कितनी पे करनी होगी। इसके बाद यहां पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करने होंगे। इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे यस। इसमें यहां पर आप जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद यहां पर आप फादर का लास्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर कोई मिडल नेम है तो यहां पर डालेंगे, अगर आप चाहें तो मदर नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आप सिलेक्ट करेंगे पैन कार्ड पर आपको फादर नेम चाहिए या मदर नेम चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही आपके पैन कार्ड में अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड के अलावा कोई और एड्रेस अपडेट कराना है तो स्टार्टिंग में आपको फिजिकल मोड सिलेक्ट करना होगा। तो हमें आधार कार्ड वाला एड्रेस ही अपने पैन कार्ड में अपडेट कराना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे यहाँ पर आप अपना कंट्री कोड चूज कर लेंगे, इसमें आप टाइप करेंगे इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पैन कार्ड के प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेरेशन देंगे, हिमसेल्फ हरसेल्फ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कितने डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं तो इसमें हम 2 टाइप कर देंगे। यहाँ पर अपनी सिटी का नेम डालेंगे और सबमिट कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म कर लेनी है, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके सभी डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर सब सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा तो आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट चूज कर लेंगे। अपने पैन कार्ड में करेक्शन कराने के लिए आपको 106 रुपीज का पेमेंट करना होगा, तो टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर देता हूँ तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा। इसमें यहाँ पर बैंक चूज करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे, आपको इंटरनेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पेज पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ पर आपको अपना ब्राउजर क्लोज नहीं करना है वरना आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस हो
चुका है, इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करना होगा, क्योंकि हम फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंसेंट देंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद ईकेवाईसी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। इसके बाद ई साइन करेंगे तो कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कंसेंट देंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, आपको कहीं भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसका पासवर्ड रहेगी। आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी और इसमें यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस दिया गया है और यही आपके पैन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद बाय पोस्ट आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप बिना कोई डॉक्यूमेंट सेंड किए अपने पैन कार्ड में एड्रेस या कोई भी करेक्शन करा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।